भवन के समक्ष आयोजित किया गया है। हम सभी शपथ लेंगे, एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ लेनी है। माइक के बाईं ओर खड़े हो जाएं। पहुंच चुके हैं मैं सभी अधिकारीगण का और आप लोगों का एक बार फिर इस समारोह में स्वागत करता हूं। अपने देश की अहिंसा एवं विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को लड़ने की भी शपथ लेते हैं। हाँ मित्र, क्या हाल है? कर्तव्य भी है कि देश में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हम सभी मिलजुल कर रहे, हम अपने परिवार को, समाज को, देश को एक बनाकर रखें, इस देश से आतंकवाद का खात्मा करें। और बहुत सी कोशिशें होती रही, पहले भी हुई हैं, लेकिन भारतवर्ष एक था, एक है और एक ही रहेगा। कहते हैं कि रोमा और मिस्र सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस देश को कितने प्रांत है, कितनी भाषाएं हैं, कितने हमारे जाति के, वर्ण के, धर्म के, रंग के लोग हैं, उसके बावजूद भी हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। इस चीज को पुख्ता करने के लिए, इस चीज को बार बार पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, वो देश में जज्बा पैदा रखे, इसको लगातार जारी रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन है जो हमारे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से आज इस प्रकार का जो आयोजन किया जा रहा है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। मेरे विचार से राजीव जी ने देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी दी है और मैं समझता हूं कि उनकी शहादत जो है वो आज भी उसका सरोकार है। उस वजह से हमारा देश आज भी सांप्रदायिक ताकतों से और आतंकवादियों से मतलब अपना मुकाबला करते हुए और आज भी हमारी एकता अखंडता जो है वो बरकरार है। हमें आज के दिन यही संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस देश की के विकास के लिए, तरक्की के लिए सबसे पहले देश की एकता अखंडता को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। सारे देश के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की बलिदान दिवस के रूप में, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सारे हिंदुस्तान के अंदर ये दिवस मनाया जा रहा है। और राजीव गांधी जी ने जो एक सपना सोचा था देश को सुंदर बनाने का, देश को एकता अखंडता कायम रखने का, जातिवाद के खिलाफ भाईचारा बनाए रखने के लिए जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया, आज हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम राजीव जी ने जो हमें सपना दिखाया उस रास्ते पे चलेंगे, जातिवाद के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता के लिए और धर्म निरपेक्षता के लिए और आतंकवाद के खिलाफ जो है जंग लड़ेंगे, आतंकवाद देश के अंदर ना हो, शांति बनी रहे, इस बात की हम आज प्रतिज्ञा करते हैं।